काफी देर से मैं देख रहा हूं हम बैठे हुए और खासतौर से क्षत्रियों के लिए बहुत कठिन काम होता है। लंबे समय तक किसी को सुनना यह हमारे स्वभाव में कम होता है, क्योंकि राजपूत तो वही होता है, क्षत्रिय तो वो होता है जो धैर्य में कमी रखता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूं कि सभी मंचा सिंह सभी प्रमुख नेताओं को आपने सुना और सुनने के बावजूद भी आप बैठे हैं। मैं आप सबके हृदय की गहराई से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक विनम्र आग्रह हमारे समक्ष भाई गोविंद सिंह ठाकुर जी की ओर से आया कि जाना कहां जाना है, ग्वालियर जाना। और पिछली बार जब जिस घटना का जिक्र यहां पर किया, इन सार्वजनिक ही कर दिया कुछ थोड़ा, आदरणीय नरेंद्र तोमर जी हिमाचल आए और उसके बाद शायद मैं तो दोबारा नहीं आया। और एक जिम्मेवारी केंद्र के नेताओं ने सौंपी कि हिमाचल प्रदेश में हमारी पार्टी के दल का नेता चुना चुनाव के पश्चात, और ऐसी परिस्थिति में वो कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। सब विधायकों से बात की, सब लोगों से बात की, पार्टी के साथियों से भी, और सारी पूछताछ के बाद जो है पार्टी के नेतृत्व और सब लोगों के सहयोग से इनके माध्यम से घोषणा हुई हमारी, और उस घोषणा के बदौलत में आज यहां हिमाचल प्रदेश का मुख्य स्वाभाविक रूप से उसमें पार्टी के नेतृत्व की एक भूमिका होती है, उनमें भूमिका पूरी होती है। लेकिन आपके यहां ग्वालियर की उसमें भूमिका रही और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही, वो भूमिका निर्णायक भूमिका रही। इसलिए एक रिश्ता ये भी बन गया, एक कड़ी बन गई। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि राजपूत छात्रावास का 100 वर्ष का तो अपने जो राजपूत हितकारिणी सभा जो है इसका 100 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा। वक्त बीतता गया, संस्थान बनाना तो आसान होता है, संस्था बनानी तो आसान होती है, लेकिन इसको जीवंत करना, उसको चलाए रखना ये कठिन कार्य होता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उस कठिन कार्य को बहुत बखूबी आप सब लोगों ने किया,